हाय, मैं हूँ विचित्र। आज इस वीडियो में मैं आपको विकिपीडिया की पांच खौफनाक पेजेस के बारे में बताऊंगा। फाइव क्रिपेस्ट पेजेस ऑन विकिपीडिया। जुड़वा बच्चों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पर मैं जिस जुड़वा बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। जून एंड जेनिफर किबॉन्स। जून और जेनिफर किबॉन्स आइडेंटिकल ट्विंस थे। आइडेंटिकल का मतलब है हूबहू एक से दिखने वाले ट्विंस। इन ट्विंस की खास बात ये थी कि ये आपस में ही सिर्फ बात किया करते थे, वो भी एक ऐसी भाषा में जो किसी इंसान के समझ के परे थी, यहाँ तक कि उसके फैमिली मेंबर्स के भी समझ के बाहर था। ये दोनों बाहरी दुनिया से इतनी कट गई थी कि काफ़ी सामाजिक परेशानी झेलनी पड़ रही थी, और इसी दौरान जून और जेनिफर ने ये डिसाइड किया कि अगर खुशहाल जीवन जीना है और समाज में रहना है तो उनमें से किसी एक को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। और जेनिफर ने यह सेक्रीफाइस किया और 30 साल की उम्र में एक रहस्यमय तरीके से चल बसी। जेनिफर की मौत एक हार्ट इन्फ्लेमेशन से हुई, जो डॉक्टरों के लिए रहस्य बन के रह गई, क्योंकि शोध के दौरान ऐसा कोई कारण या दवा नहीं मिली जिससे हार्ट इन्फ्लेमेशन हो। दूसरा है पोस्टमार्टम फोटोग्राफी। यहां मैं किसी चीरफाड़ या किसी अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की बात नहीं कर रहा हूं। 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप के कुछ शहरों में एक रिवाज था जिसमें किसी मृत इंसान को सजाकर उसकी फ़ोटो ली जाती थी, मानो वो मृत नहीं कोई जीवित इंसान हो। इतना ही नहीं, उस मृत व्यक्ति के साथ उसके परिजन भी साज श्रृंगार के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे। ये विकी पेज डरावनी इसलिए है क्योंकि इस पेज पर सैंपल फोटोग्राफ भी डाले गए हैं। अगर आप में हिम्मत है तो जाकर इस पेज को ज़रूर विजिट करना। तीसरा है मॉथमैन। 1966 से 1967 के बीच वेस्ट वर्जीनिया के एक सिल्वर ब्रिज के पास एक ह्यूमन लाइक क्रिएचर को देखा गया। जी हाँ, ह्यूमन लाइक, नॉट ह्यूमन। इस जंतु की लाल आंखें और बड़े बड़े पंख थे और दिखने में बिल्कुल काला था। इस क्रिएचर का दिखाई देना तब बंद हुआ जब सिल्वर ब्रिज ढह गया, जिसमें 46 लोगों की जान चली गई। बट आश्चर्य की बात यह है कि विकिपीडिया इस मॉथमैन का दिखने का आज भी दावा करता है। चौथा है द ब्लैक आइड चिल्ड्रन। ये कोई साधारण बच्चे नहीं थे। ब्लैक आइड चिल्ड्रन की घटना 90 के दशक में अमेरिका के पोर्टलैंड और टेक्सास शहरों में सुर्खियों में थी, जब बहुत से लोगों ने ब्लैक आइड चिल्ड्रन की घटना को ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू किया। ब्लैक आइड चिल्ड्रन ये ऐसे मिस्टीरियस ब्लैक आइड किड थे जिनकी आंखें पूरी तरह काली होती थी। ये बच्चे किसी के घर के दरवाजे को खटखटाते थे और दरवाजा खुलने पर अंदर आने की जिद करने लगते थे। ये बच्चे सिर्फ बाथरूम और फोन यूज करने के बहाने अंदर आते थे। जो भी इंसान इस घटना से गुजरा उसे ये फील हुआ कि ये बच्चे कुछ रहस्यमय और झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये बच्चे एलियंस थे, तो कुछ भूत मानते थे, पर सच्चाई क्या है ये आज तक एक रहस्य ही है। द पीपल हु डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ अजीब होता है। ये पेज उन लोगों के बारे में बताती है जो लोग इस दुनिया से रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इन लोगों का कुछ अता पता आज तक नहीं चला। इस पेज पर पहली शताब्दी से लेकर आज तक के लापता लोगों का नाम और बायोडेटा है। इनमें से कुछ की शायद हत्या हुई, कुछ की किडनेपिंग, तो कुछ की एलियन द्वारा गायब किए जाने का जिक्र है। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।